अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा बहुत अहम टॉपिक है कन्वर्टिंग यूनिट्स अक्रॉस प्रीफिक्सेस। अब ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये आगे चल के बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनको जो यूटिलाइज़ किया जाता है इन्हें अक्रॉस इक्वल टू के सिग्नेचर के साथ, तो उसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं मिसाल के तौर पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये किस तरह बनेगा। ये तो मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अगर अक्रॉस प्रीफिक्सेस यूज़ करना हो तो फिर कैसे करेंगे। कुछ दिखा दूँ आपको मैं, वो देख लें ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक पैरामीटर ड्रॉ हो जाए, उसके बाद सवालों की तरफ चलते हैं। ये पिक्चर हमारे पास बैलेंस स्केल की है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है। क्यों नज़र आ रहा है इस तरह कि एक तरफ वेट ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है। तो जहाँ वेट ज़्यादा होगा तो वो चीज़ डाउन डायरेक्शन के अंदर होगी, और जिसका वज़न कम होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। तो हम अगर बैलेंस स्केल का कॉन्सेप्ट देखें तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंस कैसे होगा वो देखते हैं। ये स्केल चूँकि बैलेंस है तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू का निशान डाल देंगे, और जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास उसको हम इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे, यानी कि ये बैलेंस है। तो ये ख्याल रखिएगा कि एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसी की बुनियाद पे हम जो कैलकुलेशंस हैं ऑफ प्रीफिक्सेस उनको कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारे पास टेबल है प्रीफिक्सेस का, इसमें हमारे पास एक टाइटल है मल्टीप्लायर का, दूसरा है प्रीफिक्स का, और तीसरा है सिंबल का। तो यहाँ पर हम 10^-1 से 10^-24 तक एक जगह पर, और दूसरा 10^1 से लेके 10^24 तक, ये इसके प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल दिए हुए हैं। ये एक तरह की चीट शीट है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें मालूम हैं कि जैसे सेंटी की जो मल्टीप्लायर है वो 10^-2 है, मिली का 10^-3 है, माइक्रो 10^-6 है, नैनो 10^-9 है, पीको 10^-12 है। इसी तरह जो जनरली यूज़ होते हैं वो किलो है, 10^3 है मल्टीप्लायर, मेगा का कैपिटल एम इस्तेमाल करेंगे सिंबल, और इसका मल्टीप्लायर है 10^6, गीगा का कैपिटल जी है सिंबल, और इसका मल्टीप्लायर है 10^9। इस तरह टेरा है, टी कैपिटल है 10^12, एंड सो ऑन, पीटा एक्सा। तो हम अब सवालों की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें जो जनरल हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे सवालों को बगैर मल्टीप्लायर की मदद से, लेकिन उसको आपको मेमोरी में रहना चाहिए आपकी कि किसका मल्टीप्लायर कौन सा है। मसलन मिली का 10^-3 है और सेंटी की 10^-2 है, ये जनरली आपको मालूम होना चाहिए, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। और आप देखिएगा कि इसको इन सवालों को जब भी हम करेंगे हमें कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तरह की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इन प्रीफिक्सेस को लेफ्ट राइट इक्वेट करके बैलेंस कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सवालों की तरफ चलते हैं। अब हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू का मतलब हो इक्वेशन इक्वेट हो गई लेफ्ट हैंड साइड पर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें दी होंगी उनको बराबर करना है राइट हैंड साइड पे, और वो बहुत आसान है। मसलन अगर इसी को हम करना चाहें तो हमने लिखेंगे 1 मीटर, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये यूनिट है किसका, 1 का यूनिट क्या है मीटर। ये तो ये हो गया। उसके बाद हमने करना ये है कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है राइट साइड पे एज इट इज़ लिख देंगे, अगर 1 है तो 1 लिख देंगे, यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, यूनिट चेंज नहीं होता। सेंटी जो है हमारे पास ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की वैल्यू जो है वो है 10^-2, सेंटी की जो प्रीफिक्स
कि मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर माइनस 2 है। हमने ये बात की कि जो लेफ्ट साइड पे चीज है वो एज इट इज आ जाएगी, जैसे 1 था तो 1 लिख दिया था, मीटर की जगह मीटर ही है, वो चेंज नहीं होगा। अब मल्टीप्लायर जो है सेंटी राइट साइड पर है, इसको इलिमिनेट करने के लिए जो पावर गिवन है 10 की पावर माइनस 2, इसके अगेंस्ट पावर जो होगी वो होगी 10 की पावर 2, वो मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 की पावर 2, तो हमारे पास जवाब आएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक और सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। अब हमारे पास ये 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 लिखेंगे, किलो इज़ अ प्रीफिक्स फॉर 10 टू पावर 3। अब किलो की जो प्रीफिक्स वैल्यू है या मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 3 है और ये है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जो भी प्रीफिक्सेस होंगे वो राइट साइड पे एज इट इज लिखे जाएंगे, तो ये लिख दिया हमने। मीटर यूनिट है दोनों जगह पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई प्रीफिक्स राइट साइड पे नहीं दिया हुआ, तो उसको एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 7 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। जनरली 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 सेंटीमीटर आएगा, तो 7 न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 7 एज इट इज लिखेंगे। मीटर चूंकि दोनों तरफ यूनिट है वो नहीं कुछ चेंज करेंगे, राइट साइड पे सेंटी की जो प्रीफिक्स वैल्यू है जिसको मल्टीप्लायर कहते हैं वो 10 की पावर माइनस 2 है, इसको गायब करना है, यानी कि सेंटी की 10 की पावर माइनस 2 जो है वो नहीं रहनी चाहिए, तो उसके अगेंस्ट जो सिग्नेचर है वो प्लस 2 का है, तो 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। एक और करते हैं, अब लिखते हैं 4 मिली मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब ये 4 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है राइट साइड पे बैलेंस करने के लिए 4 लिखेंगे, मिली लेफ्ट साइड पर है, इसका प्रीफिक्स जो है वो 10 की पावर माइनस 3 है, एज इट इज लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाली चीज एज इट इज लिखेंगे। मीटर यूनिट है यहाँ पे भी दिया हुआ है, अब रह गया सेंटी, सेंटी का जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर माइनस 2 है, इसको एलिमिनेट करेंगे, तो वो किससे करेंगे, वो करेंगे 10 की पावर 2 से, तो हम लिखेंगे 4 मिली मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 2 सेंटीमीटर। 4 मिली मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 सेंटीमीटर, या इस तरह भी लिख सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर। 4 मिलीमीटर जो है हमारे पास वो 0.4 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे चलते हैं, अब हम लिखते हैं 8 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। तो 8 चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो राइट पे वो न्यूमेरिकल वैल्यू 8 एज इट इज लिखेंगे, मिली चूंकि लेफ्ट साइड पर है और इसका प्रीफिक्स जो है वो 10 की पावर माइनस 3 है, एज इट इज लिखेंगे। किलो का जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 3 है पॉजिटिव में, इसको एलिमिनेट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 लिखेंगे, तो हमारे पास 8 मिली ग्राम जो है वो जवाब आएगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 किलोग्राम। ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 37 पीको मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। 37 न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज राइट साइड पे लिखेंगे, पीको का जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर माइनस 12 है और मीटर यूनिट है दोनों तरफ है,
अब किलो राइट साइड पे इसको इलिमिनेट करेंगे और इसकी वैल्यू है 10 की पावर 3। इलिमिनेट करने के लिए 10 की पावर -3 लिखेंगे, तो 37 पीको मीटर इज इक्वल टू 37 इंटू 10 to power -15 किलोमीटर। ये याद रहे कि जो राइट साइड पे प्रीफिक्स वैल्यू है उसका जो पावर रिजल्ट है उसके अगेंस्ट की पावर लिखनी होती है। अब चूंकि यहाँ पे -12 और ये -3 था, तो ये पावर्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ग्रेड 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जहाँ भी प्रीफिक्सेस की यूटिलाइजेशन है वहाँ पे बजाय इसके कि उनके मल्टीप्लायर से मल्टीप्लायर डिवाइड करें, वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट और राइट को इक्वेट करना है, बैलेंस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना।